भीगन गांव से। भीगन गांव नगर में पुलिस थाने से निकली महिला सुरक्षा सम्मान यात्रा, बंद करो महिला अत्याचार, बंद करो फूल नहीं चिंगारी है, हम भारत की नारी है। मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री के निर्देश पर चलाए जा रहे महिलाओं के अपराध रोकने और महिलाओं की सुरक्षा जन जागरूकता सम्मान अभियान के तहत भीगन गांव नगर में पुलिस थाने से महिला सम्मान यात्रा नगर के मुख्य मार्गो से निकली, जहाँ नारी के सम्मान और सुरक्षा के लिए नगर में एक संदेश दिया। नारी सम्मान यात्रा में अधिक संख्या में महिलाएं लड़कियां रैली में हाथों में तख्तियां लेकर शामिल हुई। SDM ओम नारायण सिंह ने कहा, इस यात्रा का उद्देश्य नारी की सुरक्षा, जन जागरूकता और उनके विकास के लिए यह अभियान चलाया जा रहा। इस दौरान SDM ओम नारायण सिंह, तहसीलदार देव कुमार सोलंकी, नायब तहसीलदार ममता मेमरोड, SDOP प्रवीण कुमार उइके, थाना प्रभारी जगदीश गोयल, महिला बाल विकास के परियोजना अधिकारी हेमंत आर्य, मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी की महिलाएं रैली में रही उपस्थित। माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं एवं बच्चियों की सुरक्षा, जन जागरूकता, उनके विकास के लिए प्रत्येक क्षेत्र में एक सम्मान रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पुलिस और प्रशासन मिलकर के महिलाओं से संबंधित अधिकारों के लिए, उनके सुरक्षा संबंधित उपायों के लिए और उनके लिए हेल्दी एवं गुड वातावरण संबंधित प्रचार प्रसार के लिए रैली निकाली जा रही है। सर, नारी अत्याचार, अपमान, उत्पीड़न जो हो रही है, तो आपको लगता है ऐसे यात्राओं से नारी सशक्तिकरण आएगा? और नारी सशक्तिकरण तो माननीय मुख्यमंत्री जी का मुख्य उद्देश्य है। बाइला मतलब मामा जी हैं, बालिकाओं के प्रति बहुत सचेत रहते हैं और उन्होंने सबको रख करके ही राज्य सरकार ने पूरे प्रोग्राम को करा और हम सब प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी और आप जन पत्रकार और समाज सेवा मिल करके इसी जन जागरूकता के लिए पूरा कार्य कर रहे हैं। सुरक्षा की दृष्टि से पूरे क्षेत्रों को सर्च कर रहे हैं, उनके लिए जन जन तक नियमों का और बहुत सारे योजनाओं से संबंधित बताया जा रहा है। सुरक्षा से संबंधित उनके जो भी उपाय सर्वश्रेष्ठ स्तर पर किए जा सकते हैं, उन संबंध में हम लोग कार्य कर रहे हैं और इसीलिए रैली निकाली जागरूकता के संबंध में। सर, नारी सम्मान के लिए आपके द्वारा कोई विचार वैसे देना चाहेंगे? हाँ, यही है कि नारी सदैव सचेत रहे और हमारी अभी पुलिस टीम, महिला पुलिस टीम भी और अधिकारी लोग भी जो बच्चियाँ हैं उनको विभिन्न प्रकार के सुरक्षा उपाय संबंधित सचेतक इंडिकेशन को समझाएंगी। मैं और SDOP साहब, थाना प्रभारी, ये सब हम लोग जगह जगह जो पॉइंट हमको लगते हैं कि कोई एकांत क्षेत्र है, कोई ऐसा जगह है जहाँ पर सुरक्षा संबंधी कोई थोड़ी बहुत भी ढील हो, उस चीज़ को सचेत करेंगे कि जिस क्षेत्र में अगर कहीं कुछ अंधेरा लगता है, जहाँ आवागमन बच्चियों का, महिलाओं का अधिक है, उधर रोशनी की व्यवस्था की जाएगी। मतलब जो भी सुरक्षा के उपाय सिस्टम होंगे, राज्य सरकार ने निर्देश दिए, उसके लिए हम पूरा प्रशासन लगा रहेगा भीगन गांव में। खबर भारतवर्ष के लिए भीगन गांव खरगोन से विकास श्रीवास की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।